हेलो दोस्तों, तो स्वागत करते हैं आपका क्लैश ऑफ क्लैंस के इस मज़ेदार गेम प्ले वीडियो में। इस वीडियो में आपको अटैक देखने को मिलेगा इलेक्ट्रो ड्रैगन एंड डिफरेंट आर्मी के साथ। चलेंगे डायरेक्ट अटैक पे। उससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस चैनल पे आपको ऐसे ही गेम प्ले वीडियोज़ देखने को मिलती हैं। स्टार्टिंग में ये लेआउट है भाई, करना है इस पर हमने अटैक। फनल क्रिएट किया है हमने लून एंड बेबी ड्रैगन डाल के, और आर्मी डाल दी है यहाँ पर सारी। वार्डन एबिलिटी में ब्लिंप को हम टाउन हॉल तक लेके जाएंगे, और ये ब्लिंप टाउन हॉल तक नहीं पहुँच पाई है। येटी लिए थे हमने ब्लिंप के, येटी बाहर ही भटक गए हैं। कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी इलेक्ट्रो ड्रैगन चल रहे हमारे अच्छे खासे। इलेक्ट्रो ड्रैगन ही निकालेंगे भाई अब टाउन हॉल को भी। रॉयल चैम्पियन भी जा रही है वहाँ पर, इनविजिबल किया है रॉयल चैम्पियन ने, निकाल दिया है भाई टाउन हॉल को। इस तरफ से किंग एंड क्वीन लगे पड़े हैं वार्डन के साथ। कोर में दो इलेक्ट्रो ड्रैगन है। किंग एंड क्वीन के पास अभी एबिलिटी है, किंग की एबिलिटी यहाँ पर लगा दी हमने जल्द से जल्द निपटाने के लिए। एक इलेक्ट्रो बचा है, क्वीन की एबिलिटी भी लगा दी यहाँ पर। और इसी के साथ ये बेस लेआउट ख़त्म हो चुका है, चलेंगे डायरेक्ट नेक्स्ट अटैक पे। आज का अगला हमला इस बेस पे लाइटनिंग गिरा के एक एयर स्वीपर को डाउन किया है। लून एंड बेबी ड्रैगन डाल के फनल क्रिएट किया है। सारी आर्मी हमने कोर के लिए डाल दी है। वार्डन एबिलिटी दबा दी है, ब्लिंप वार्डन एबिलिटी में टाउन हॉल तक जाएगी, और ये सक्सेसफुली टाउन हॉल तक पहुँच चुकी है। रेस करके टाउन हॉल को भी डाउन कर दिया जाएगा वहाँ पर येटी के द्वारा। पीछे से इलेक्ट्रो ड्रैगन आ रहे हैं काफ़ी तेज़ी से, रेस किया है उस तरफ के इलेक्ट्रो ड्रैगन के ऊपर, जो कि चैन डैमेज में कोर वाले डिफेंसेस को निकाल के देंगे। हालांकि निकला नहीं वहाँ पर। इस तरफ के इलेक्ट्रो ड्रैगन बढ़ रहे हैं अभी भी। किंग एंड क्वीन के पास एबिलिटी है, रॉयल चैम्पियन की एबिलिटी भी बाकी है अभी, एंड रॉयल चैम्पियन की एबिलिटी लगा दी है भाई। दो तीन इलेक्ट्रो ड्रैगन अभी भी बचे हैं हमारे पास। टोर्नेडो की प्लेसमेंट भी देखने को मिली यहाँ पर। किंग एंड क्वीन एबिलिटी चल रहे हैं अभी भी। एक पॉइजन बचा है हमारे पास, जो कि इसका यूज़ होने नहीं वाला है अब, और ये ख़त्म। आज का तीसरा हमला इस टाउन हॉल 16 वाले बेस पे। यहाँ पर हम रूट राइडर से अटैक करेंगे, कुछ ऐसा दिख रहा है भाई बेस लेआउट। SV डालेंगे हम यहाँ पर, SV और एक रूट राइडर डाला है। उस तरफ से सारे के सारे रूट राइडर, वेलकरी, किंग, क्वीन, वार्डन एबिलिटी, हेड एंटर, अप्रेंटिस, वार्डन, सब कुछ डाल दिया है भाई। कोर में ओवरग्रोथ गिरा दिया है हमने। रेज एंड हेस्ट स्पेल डाल के आर्मी को फास्ट किया है। डैमेज बढ़ रहा है इसलिए फ्रीज का भी इस्तेमाल किया गया है। कोर में अगेन ओवरग्रोथ किया है, जिससे कि वहाँ के डिफेंसेस और टाउन हॉल ओवरग्रोथ हो जाएंगे। यहाँ पर 50% की वैल्यू निकल चुकी है। आर्मी हमारी बढ़ रही है धीरे धीरे आगे। एक ओवरग्रोथ और बचा हुआ है, जो कि हम टाउन हॉल के ऊपर ही करेंगे। रूट राइडर, किंग, क्वीन भी चल रहे हैं हमारे। एक फ्रीज बचा के रखी हमने कोर के लिए। रूट राइडर काफ़ी पावरफुल तरीके से बेस को निकालने का काम कर रहे हैं। क्वीन भी लगी पड़ी है भाई। यहाँ पर फ्रीज का इस्तेमाल किया है सिंगल ने, आरसी को पकड़ लिया था यहाँ पर। रूट राइडर कोर में चले गए हैं टाउन हॉल निकालने के लिए। किंग भी चला गया है भाई, किंग की एबिलिटी यहाँ पर हमने लगा दी है। किंग टाउन हॉल को डाउन कर देगा यहाँ से। क्वीन के पास एबिलिटी बाकी है, क्वीन की एबिलिटी भी यहाँ पर हम यूज़ कर लेंगे भाई, रख के क्या ही करेंगे। और इसी के साथ ये बेस भी निपट चुका है, चलेंगे आज के नेक्स्ट अटैक पे। आज का अगला हमला इस बेस लेआउट पे, सेम आर्मी के साथ रूट राइडर वाली। एक रूट राइडर और SV डाला है इस तरफ से। SV डाला है, वेलकरी डाला है, किंग, क्वीन, वार्डन, सब कुछ डाल के वार्डन एबिलिटी लगा दी है, और कोर में ओवरग्रोथ कर दिया है। ओपोनेंट के शीशी में से ट्रूप्स निकले हैं, उसके ऊपर पॉइजन का इस्तेमाल करके उनको मार दिया गया है। आर्मी बढ़ रही है धीरे धीरे आगे।
यहाँ पर फ्रीज का भी इस्तेमाल किया है। रूट राइडर उस तरफ ज़्यादा चले गए हैं, इस तरफ कम आए रूट राइडर, इस तरफ किंग चल रहा है, इस तरफ से रॉयल चैम्पियन भी दे दी हमने। यहाँ के डिफेंसेस को निकाल के देगी रॉयल चैम्पियन, किंग ने स्कैटर शॉट को निकाल दिया है। एक ओवरग्रोथ और बची है, इसको हम लगा देंगे टाउन हॉल के ऊपर। आर्मी चल रही है हमारी अभी भी, किंग यहाँ दीवार तोड़ने पे बिजी हो चुका है, वहाँ पर विजर्ड निकालने पे लगा हुआ है क्लैन कास्टल को। रूट राइडर वाली आर्मी काफ़ी पावरफुल है भाई, इसको करना आ गया एक बार इजी लगता है। रूट राइडर चल रहे हैं अभी हमारे यहाँ पर, यहाँ पर टोर्नेडो की भी प्लेसमेंट देखने को मिली है, ज़्यादा कुछ उखाड़ नहीं पाएगा टोर्नेडो। यहाँ पर किंग की एबिलिटी पॉप कर दी भाई हमने, और इसी के साथ ये बेस भी ख़त्म हो चुका है। आज का अगला हमला आ चुका है यहाँ पर सोनू की तरफ से, क्वीन चार्ज हाइब्रिड। क्वीन चार्ज में यहाँ पर टाउन हॉल को निकाल दिया गया है, क्वीन कोर में चले गई है भाई, क्वीन को काफ़ी ज़्यादा डैमेज होने वाला है। क्वीन के ऊपर रेज इस्तेमाल किया है, इस तरफ से हॉग एंड माइनर चल रहे हैं वार्डन के साथ, बाहर की तरफ से किंग एंड पैका चल रहे हैं। क्वीन अच्छा काम कर रही है, पीछे से हीलर भी लगे पड़े हैं भाई क्वीन को हील करने में। हॉग राइडर डिफेंसेस को क्लियर करते हुए जा रहे हैं, पीछे से किंग की एबिलिटी लगा दी है। रॉयल चैम्पियन भी चल रही है यहाँ पर, रॉयल चैम्पियन की एबिलिटी लगा दी है हॉग पपेट्स में, रॉयल चैम्पियन के हॉग्स बाहर निकल गए हैं। और काफ़ी पावरफुल तरीके से इस पेस का भी सफाया हो चुका है हॉग एंड माइनर के द्वारा। और इसी के साथ इस वॉर को हम जीत चुके हैं एक स्टार से। तो बस फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, कीप क्लैशिंग।